हर हर महादेव संग गौरा पार्वती। कैसे आप लोग, शुरू करते हैं। देवताओं का पलायन इंद्र आदि के पूछने पर बृहस्पति का रुद्रदेव की अजयता बताना, वीरभद्र का देवताओं को युद्ध के लिए ललकारना, श्री विष्णु और वीरभद्र की बातचीत तथा विष्णु आदि का अपने लोक में जाना एवं दक्ष और यज्ञ का विनाश करके वीरभद्र का कैलाश को लौटना। ब्रह्मा जी कहते हैं, नारद उस समय देवताओं के साथ शिवगणों का घोर युद्ध आरंभ हो गया। उसमें सारे देवता पराजित हुए और भागने लगे। वे एक दूसरे का साथ छोड़कर स्वर्गलोक में चले गए। उस समय केवल महाबली इंद्र आदि लोकपाल ही उस दारुण संग्राम में धैर्य धारण करके उत्सुकता पूर्वक खड़े रहे। तदंतर इंद्र आदि सब देवता मिलकर उस सम्रांगण में बृहस्पति को विनीत भाव से नमस्कार करके पूछने लगे। लोकपाल बोले, गुरुदेव बृहस्पति तात महाप्राज्ञ दयानिधि, शीघ्र बताइए, हम जानना चाहते हैं कि हमारी विजय कैसे होगी। उनकी यह बात सुनकर बृहस्पति ने प्रयत्न पूर्वक भगवान शंभु का स्मरण किया और ज्ञान दुर्बल महेंद्र से कहा। बृहस्पति बोले, इंद्र भगवान विष्णु ने पहले जो कुछ कहा था वह सब इस समय घटित हो गया। मैं उसी को स्पष्ट कर रहा हूं, सावधान होकर सुनो। समस्त कर्मों का फल देने वाला जो कोई ईश्वर है वह कर्ता का ही आश्रय लेता है। कर्म करने वाले को ही उस कर्म का फल देता है। जो कर्म करता ही नहीं उसको फल देने में वह भी समर्थ नहीं है। अतः जो ईश्वर को जानकर उसका आश्रय लेकर सत्कर्म करता है उसी को उस कर्म का फल मिलता है, ईश्वर द्रोही को नहीं। न मंत्र, न औषधियां, न समस्त आभिचारिक कर्म, न लौकिक पुरुष, न कर्म, न वेद, न पूर्व और उत्तर मीमांसा तथा न नाना वेदों से युक्त अन्य अन्य शास्त्र ही ईश्वर को जानने में समर्थ होते हैं, ऐसा प्राचीन विद्वानों का कथन है। अनन्य शरण भक्तों को छोड़कर दूसरे लोग संपूर्ण वेदों का 10,000 बार स्वाध्याय करके भी महेश्वर को भली भांति नहीं जान सकते। यह महाश्रुति का कथन है। अवश्य भगवान शिव के अनुग्रह से ही सर्वथा शांत निर्विकार एवं उत्तम दृष्टि से सदाशिव के तत्व का साक्षात्कार ज्ञान हो सकता है। सर्वेश्वर क्या कर्तव्य है और क्या कर्तव्य, इसका विवेचन करना अभीष्ट होने पर ही मैं जो इसके सिद्धि का उत्तम अंश है उसी का प्रतिपादन करूंगा। तुम अपने हित के लिए उसे ध्यान देकर सुनो। इंद्र तुम लोकपालों के साथ आज नादान बनकर दक्ष यज्ञ में आ गए, बताओ तो यहाँ क्या पराक्रम करोगे। भगवान रुद्र जिनके सहायक हैं, ऐसे परम क्रोधी रुद्रगण इस यज्ञ में विघ्न डालने के लिए आए हैं और अपना काम पूरा करेंगे, इसमें संशय नहीं है। मैं सत्य सत्य कहता हूँ कि इस यज्ञ के विघ्न का निवारण करने के लिए वसुता तुम में से किसी के पास भी सर्वथा कोई उपाय नहीं। बृहस्पति की यह बात सुनकर वे इंद्र सहित समस्त लोकपाल बड़ी चिंता में पड़ गए। तब महावीर रुद्रगणों से घिरे हुए वीरभद्र ने मन ही मन भगवान शंकर का स्मरण करके इंद्र आदि लोकपालों को डांटा और इसके पश्चात रुद्रगणों के नायक वीरभद्र ने रोष से भरकर तुरंत ही संपूर्ण देवताओं को तीखे बाणों से घायल कर दिया। उन बाणों की चोट खाकर इंद्र आदि समस्त सुरेश्वर भागते हुए दसों दिशाओं में चले गए। जब लोकपाल चले गए और देवता भाग खड़े हुए तब वीरभद्र अपने गणों के साथ यज्ञशाला के समीप गए। उस समय वहां विद्यमान समस्त ऋषि अत्यंत भयभीत हो परमेश्वर श्री हरि से रक्षा की प्रार्थना करने के लिए सहसा नतमस्तक को शीघ्र बोले, देवदेव रमानाथ सर्वेश्वर महाप्रभु, आप दक्ष के यज्ञ की रक्षा कीजिए, आप ही यज्ञ है, इसमें संशय नहीं है। यज्ञ आपका कर्म रूप और अंग है, आप यज्ञ के रक्षक हैं, अतः दक्ष यज्ञ की रक्षा कीजिए, आपके सिवा दूसरा कोई इसका रक्षक नहीं है। ब्रह्मा जी कहते हैं, नारद ऋषियों का यह वचन सुनकर मेरे सहित भगवान विष्णु वीरभद्र के साथ युद्ध करने की इच्छा से चले। श्री हरि को युद्ध के लिए उद्यत देख शत्रुमर्दन वीरभद्र जो वीर प्रमथ गणों से घिरे हुए थे कड़े शब्दों में भगवान विष्णु को डांटने लगे। ब्रह्मा जी कहते हैं, नारद वीरभद्र की यह बात सुनकर बुद्धिमान देवेश्वर विष्णु वहां प्रसन्नता पूर्वक हंसते हुए बोले, श्री विष्णु ने कहा, वीरभद्र आज तुम्हारे सामने मैं जो कुछ कहता हूं उसे सुनो। मैं भगवान शंकर का सेवक हूं,
तुम मुझे रुद्रदेह से विमुख ना कहो, दक्ष अज्ञानी है, कर्मकांड में ही इसकी निष्ठा है। इसने मूढ़तावश पहले मुझसे बारंबार अपने यज्ञ में चलने के लिए प्रार्थना की थी। मैं भक्त के अधीन ठहरा इसलिए चला आया। भगवान महेश्वर भी भक्त के अधीन रहते हैं। तात, दक्ष मेरा भक्त है इसलिए मुझे यहाँ आना पड़ा है। रुद्र के क्रोध से उत्पन्न हुए वीर, तुम रुद्र तेज स्वरूप हो, उत्तम प्रताप के आश्रय हो, मेरी प्रतिज्ञा सुनो। मैं तुम्हें आगे बढ़ने से रोकता हूँ और तुम मुझे रोको। परिणाम वही होगा जो होने वाला होगा, मैं पराक्रम करूंगा। ब्रह्मा जी कहते हैं, नारद, भगवान विष्णु के ऐसा कहने पर महाबाहु वीरभद्र हंसकर बोला, आप मेरे प्रभु के प्रिय भक्त हैं यह जानकर मुझे बड़ी प्रसन्नता हुई है। इतना कहकर गणनायक वीरभद्र हंस पड़ा और विनय से नतमस्तक हो बड़ी प्रसन्नता के साथ श्री विष्णुदेव से कहने लगा। वीरभद्र ने कहा, महाप्रभु, मैंने आपके भाव की परीक्षा के लिए कड़ी बातें कही थी, इस समय यथार्थ बात कहता हूँ, सावधान होकर सुने। हरे, जैसे शिव है वैसे आप हैं, जैसे आप हैं वैसे शिव है, ऐसा वेद कहते हैं और वेदों का यह कथन शिव की आज्ञा के अनुसार ही है। यथा शिवस्तथा त्वम ही, यथा त्वम च तथा शिवः, इति वेदा वर्णयन्ति शिव शास्त्र तो हरे। रमानाथ, भगवान शिव की आज्ञा से हम सब लोग उनके सेवक ही हैं, तथापि मैंने जो बात कही है वह इस वाद विवाद के अवसर के अनुरूप ही है। आप मेरी हर बात को आपके प्रति आदर के भाव से ही कही गई समझी। ब्रह्मा जी कहते हैं, वीरभद्र का यह वचन सुनकर भगवान श्री हरि हंस पड़े और उसके लिए हितकर वचन बोले। श्री विष्णु ने कहा, महावीर, तुम मेरे साथ निःशंक होकर युद्ध करो, तुम्हारे अस्त्रों से शरीर के भर जाने पर ही मैं अपने आश्रम को जाऊंगा। ब्रह्मा जी कहते हैं, ऐसा कहकर भगवान विष्णु चुप हो गए और युद्ध के लिए कमर कसकर डट गए। महाबली वीरभद्र भी अपने गणों के साथ युद्ध के लिए तैयार हो गए। नारद, तदंतर भगवान विष्णु और वीरभद्र में घोर युद्ध हुआ। अंत में वीरभद्र ने भगवान विष्णु के चक्र को स्तंभित कर दिया तथा शंख धनुष के तीन टुकड़े कर डाले। तब मेरे द्वारा एवं सरस्वती द्वारा बोधित हुए श्री विष्णु ने उस महान गणनायक वीरभद्र को असह्य तेज से संपन्न जानकर वहां से अंतर्ध्यान होने का विचार किया। दूसरे देवता भी यह जान गए कि सती के प्रति जो अन्याय हुआ है उसी का यह भावी परिणाम है। दूसरों के लिए इस संकट का सामना करना अत्यंत कठिन है, यह जानकर वे सब देवता अपने सेवकों के साथ स्वतंत्र सर्वेश्वर शिव का स्मरण करके अपने अपने लोक को चले गए। मैं भी पुत्र के दुख से पीड़ित हो सत्यलोक में चला आया और अत्यंत दुख से आतुर हो सोचने लगा कि अब मुझे क्या करना चाहिए। मेरे तथा श्री विष्णु के चले जाने पर मुनियों सहित समस्त यज्ञ के आधार रहने वाले देवता शिवगणों द्वारा पराजित हो भाग गए। उस उपद्रव को देखकर और महामख का विध्वंस निकट जानकर वह यज्ञ भी अत्यंत भयभीत हो मृग का रूप धारण करके वहां से भागा। मुर्ग के रूप में आकाश की ओर भागते देख वीरभद्र ने उसे पकड़ लिया और उसका मस्तक काट डाला। फिर उन्होंने मुनियों तथा देवताओं के अंग भंग कर दिए और भूतों को मार डाला। प्रतापी मणिभद्र ने भृगु को उठाकर पटक दिया और उनकी छाती को पैर से दबाकर तत्काल उनकी दाढ़ी मूछ नोच ली। चंड ने बड़े वेग से पूषा के दांत उखाड़ लिए, क्योंकि पूर्व काल में जिस समय महादेव जी को दक्ष के द्वारा गालियां दी जा रही थी उस समय वे दांत दिखा दिखाकर हंसे थे। नंदी ने भग को रोषपूर्वक पृथ्वी पे दबाना और उनकी दोनों आंखें निकाल ली, क्योंकि जब दक्ष शिवजी को शाप दे रहे थे उस समय वे आंखों के संकेत से अपना अनुमोदन सूचित कर रहे थे। वहां रुद्रगण नायकों ने सुधा, स्वाहा और दक्षिणा की देवियों की बड़ी विडंबना दुर्दशा की। वहां जो मंत्र तंत्र तथा दूसरे लोग थे उनका भी बहुत तिरस्कार किया। ब्रह्मपुत्र दक्ष भय के मारे अंतर्वेदी के भीतर छुप गए। वीरभद्र उनका पता लगाकर उन्हें बलपूर्वक पकड़ लाए। फिर उनके दोनों गाल पकड़कर उन्होंने उनके मस्तक पर तलवार से आघात किया, परंतु योग के प्रभाव से दक्ष का सिर अभेद्य हो गया था इसलिए कट नहीं सका। जब वीरभद्र को ज्ञात हुआ कि संपूर्ण अस्त्र शस्त्रों से इनके मस्तक का भेदन नहीं हो सकता, तब उन्होंने दक्ष की छाती पर पैर रखा, दबाया और दोनों हाथों से गर्दन मरोड़कर तोड़ डाली। फिर शिवद्रोही दुष्ट दक्ष के उस सिर को गणनायक वीरभद्र ने अग्निकुंड में डाल दिया। तदंतर जैसे सूर्य घोर अंधकार राशि का नाश करके उदयाचल पर आरूढ़ होते हैं, उसी प्रकार वीरभद्र दक्ष और उनके यज्ञ का विध्वंस करके कृतकार्य हो तुरंत ही वहां से उत्तम कैलाश पर्वत को चले गए। वीरभद्र को काम पूरा करके आया देख परमेश्वर शिव मन ही मन बहुत संतुष्ट हुए और उन्होंने उन्हें वीर प्रमथ गणों का अध्यक्ष बना दिया। अध्याय 36-37 यहां समाप्त हुआ। हर हर महादेव। संग द्वारा पार्वती।
Thank you.